वेलकम टू स्टडी पॉइंट। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। अभी तो आपके पास जो है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है सर, और ये हमारे पास ट्रायंगल है। आपके पास क्या है, एक है सर्कल और आपसे कह रहा है फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस इज गिवन, आपसे कह रहा है रेडियस इज 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ओएबी। ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है सर, ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 12 है और ये आपके पास जो है 6, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा सा उसने क्या किया है कि भाई पूरा पार्ट ही शेड कर दिया, ठीक है सर। अब करने के तरीके आपके हो सकते हैं कि आप इसको कैसे इमेजिन कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम ये है, या तो आप सर्किल को कंप्लीट लीजिए और ये ट्रायंगल का पार्ट अलग से निकालिए, या आप ट्रायंगल को कंप्लीट लीजिए और ये सर्किल का पार्ट अलग से निकालिए, क्योंकि दो चीजें एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। ट्रायंगल और सर्किल ओवरलैप कर रहा है तो वो दोनों जगह काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो अच्छा यही था कि आप ट्रायंगल को अलग निकाल लें और ये सर्किल आसानी से निकल जाएगा, मेजर सेक्टर है, क्योंकि ये आपके पास 60 है, ठीक है भाई। ये जो है आपके पास, ये आपके पास 60 है, तो ये आपके पास 300 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पे तो ये बनता है जो आपके पास बुक में है, मैं भी इसको चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है सर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास हो जाएगा रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। मेजर सेक्टर हो जाएगा सर पाई, आपके पास है 22/7, रेडियस आपके पास है 6 का स्क्वायर, थीटा आपके पास 300 है। आप बात कर रहे हो मेजर की, अपॉन 360, ठीक है सर। ये हमारे पास, तो जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहो आप कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है सर। तो आपके पास ये कितना आया, 36 रूट 3 प्लस ये कितना 1, पाइप भी तो है आपके पास 110 एंड 6 है ना भाई, 660 ये आपके पास है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। बट क्वेश्चन क्या था प्लीज ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था सर जी कि ये भी नहीं था, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन था ये, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब क्या है, ना ये इसमें यूज हो रहा है ना ये इसमें यूज हो रहा है, बात समझ आ गई। तो अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो अभी भी यूज हो रहा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो अभी भी आ रहा है। अब क्या हुआ, ट्रायंगल में से भी वो माइनस हो रहा है, ट्रायंगल में से क्या हो रहा है। तो इसका मतलब जो यहां पे आपने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट लिया है उसमें से माइनस सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, माइनस, बात समझ आ गई। सेम हमारे पास आ जाएगा लेकिन जहां हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर हमारा क्वेश्चन ये है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है भाई, ये तो पार्ट हो गया ट्रायंगुलर वाला, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ, ये आपको सर समझ में आ गया। इस एक्स्ट्रा को अगर नोट करना चाहो फिगर ड्रॉ कर लो और ये लिख लो जल्दी से फटाफट, अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको क्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 के सिर्फ मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके पास क्या था, स्क्वायर था, ठीक है भाई, आप सब बच्चों के लिए, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड भी गिवन थी 4, ठीक है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, आपने क्या किया, एक क्वाड्रेंट कट कर दिया, रेडियस कितना है 1, ईच सेंटर फ्रॉम ईच वर्टेक्स, सॉरी, अब ये जो आपके पास रह गया आपको इसका एरिया चाहिए, अच्छा जी एक सर्कल भी ले लें, बहुत बढ़िया, ये सर्कल, लेकिन सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है सर, डायमीटर 2 है, रेडियस उसका भी 1 है, तो ये हमारे पास, तो आपके पास क्या हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए, अब हमारे पास क्या है वो लिख लें आप, प्लीज इधर, स्क्वायर है भाई हमारे पास, स्क्वायर के आपके पास साइड गिवन है, क्वाड्रेंट है आपके पास, ध्यान से देख लीजिए क्वाड्रेंट, उसकी रेडियस गिवन है सर R1, सर्कल दिया हुआ, सर्कल उसका डायमीटर है तो उसका रेडियस, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेंट का रेडियस मैंने R1 से प्रेजेंट किया है और सर्कल का रेडियस R से, अभी आगे आएगा आपके पास इस तरह से, कि हमारे पास क्या है, मैंने अभी आपसे कहा था, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास इस पे कोन है, हो सकता है तीनों रेडियस अलग हो, आपको मेंशन करना पड़ेगा R1, R2, R3, इसके हाइट आप अलग लेंगे, कैपिटल है जिसकी हाइट आप अलग लगेंगे, ये ध्यान रखना है, अब हमारे पास क्वेश्चन तो सीधा सीधा था, आपसे कहता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ये आपके पास शेडेड है, करना क्या था सर, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट, माइनस कर रहे हो ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, आपके पास क्या है भाई, स्क्वायर 4, क्वाड्रेंट होता क्या है, पाई रेडियस प्लस एरिया ऑफ सर्किल, पाई कितना, रेडियस, ठीक है सर, 4 से ये भी 22/7, ये भी कितना आ गया भाई 16, माइनस जो भी आंसर आता है, यस और नो, तो याद तक तो सही थी, गुड, यस यस यस, इसी को नोट करना, कर लिया।